पटग्राम की तहसील अलाई में पाश्तो के मकाम पर चेयरलिफ्ट रस्सी टूटने से फिजा में अटक गई। पाक फौज के कमांडोज का तवील ऑपरेशन, तमाम 8 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। 7 बच्चे और टीचर शामिल। रेस्क्यू किए जाने वाले बच्चों में इरफान, न्याज मोहम्मद, रिजवान, शेर नवाज, इब्रार, अताउल्ला, उसामा और टीचर गुलफराज शामिल। इंतहाई मुश्किल ऑपरेशन कामयाबी से हमकिनार हो गया। ऑपरेशन में शरीक पाक फौज के जवान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ISPR इतला मिलते ही बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन में आर्मी, एविएशन और फजाइया के हेलीकॉप्टरों ने हिस्सा लिया। मुश्किल ऑपरेशन था जिसमें एक ट्रॉली हवा में मौलिक थी। रेस्क्यू का सामान पहुंचाने में मुश्किलात का सामना था। स्लिंग ऑपरेशन के जरिए रेस्क्यू करने की कोशिश की गई। हवा के दबाव की वजह से मुश्किलात पेश आईं। रेस्क्यू टीम ने सबसे पहले ट्रॉली को मुस्तहकम करने के लिए इसके एंकर पॉइंट्स को मजबूत किया। शाम के वक्त हवा का दबाव कम होने पर ऑपरेशन दोबारा शुरू किया और जिप लाइन ऑपरेटर्स की खिदमात हासिल की गईं। रात गए ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया। मकामी आबादी और रेस्क्यू किए गए अफराद के अहले खाना ने पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। GOC स्पेशल सर्विसेज ग्रुप मेजर जनरल आदिल रहमानी की दुनिया न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगु। पाक फौज का बटग्राम में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन, निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से मुबारकबाद। बच्चों समेत तमाम अफराद को रेस्क्यू किए जाने पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। पाक फौज, रेस्क्यू इदारे, ज़िला इंतजामिया और मकामी अफराद ने शानदार टीम वर्क का मुजाहरा किया। अनवारुल हक काकर, निगरान वज़ीर दाखला सरफराज बुख्ती का ट्वीट के जरिए ऑपरेशन की कामयाबी का ऐलान। मुश्किल ऑपरेशन मुकम्मल करने पर बहादुर अफवाज के जवानों का अज़्म हौसला काबिले दीद था। सरफराज बुख्ती, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन पर स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की तमाम टीम और उसकी क़यादत करने वाले GOC मेजर जनरल आदिल रहमानी को मुबारकबाद। कमज़ोर रस्सी से बंधी 8 जिंदगियां बचाने का मिशन। 600 फुट की बुलंदी पर SSG की स्लिंग टीम की पेशावराना महारत। ऑपरेशन के लिए कमांडोज भिजवाए गए। SSG के जनरल ऑफिसर कमांडिंग भी इलाके में पहुंचे। ऑपरेशन की बराह रास्त निगरानी की। मुतासरा लिफ्ट तक पहुंचकर फंसे अफराद को बाहिफाजत निकाला। लिफ्ट में फंसे अफराद को निकालने के लिए पहला हेलीकॉप्टर 11:45 पर पहुंचा। बाद में मजीद हेलीकॉप्टर्स और कमांडोज भी आ गए। मुतासरा लिफ्ट के ऊपर मौजूद एक तार की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना रहा। रेस्क्यू टीम ने इब्तदाई तौर पर लिफ्ट में फंसे अफराद को पानी, अदवियात और ज़रूरी अशिया पहुँचाई। फ़ोन पर राबिता करके फंसे अफराद को हौसला दिया गया। अहल इलाका भी बड़ी तादाद में मौजूद रहे। शहरियों की जानिब से पाक फौज की कोशिशों पर खराज तहसीन। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। आइंदा हफ्ते कौमी सतह पर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करने की हिदायत। मुख्तलिफ मज़ाहिब और मकातिब फ़िक्र के उलमा को मदु किया जाए। कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए अहम संग मील साबित होगी। वफाकी काबीना के इजलास का एलामिया जारी। वजारत ख़जाना की सिफारिश पर माली साल 2023-24 के लिए दैयत की रकम मुकर्रर। अकलियतों का तहफ़ रियासत की अव्वलीन फ़राइज़ का हिस्सा है। मुल्क में इंतहा पसंदी और मजहबी कुशीदगी की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। हमारी बुनियादी जिम्मेदारी इंतखाबात के लिए मुआवनत फ्राहम करना है। कवायद और ज़वाबित के ख़िलाफ़ वर्जी की सूरत में मुदाखलत का इख्तियार है। अनवारुल हक काकर का इजलास से खिताब। निगरान वज़ीर आज़म का दौरा कराची। अनवारुल हक ने मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी और फातह ख़वानी की। निगरान हुकूमत आइनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। कोशिश होगी इंतखाबात शफाफ और गैर जानिबदार ना हों। कायदे आज़म ने हमेशा अकलियतों के हकूक़ की बात की। हर शहरी के हकूक़ का तहफ़ रियासती जिम्मेदारी है। अनवारुल हक काकर की गुफ्तगु, निगरान वज़ीर आज़म से मुतहदा कौमी मूवमेंट के वफ़द की मुलाकात। कराची के मसाइल के हल के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए गए। अनवारुल हक काकर की यकीन दहानी। डॉलर बेर लगाम तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंटरबैंक में डॉलर बुलंद तरीन सतह पर। अमरीकी करेंसी मजीद 1.87 रुपये महंगी 299 रुपये पर बंद। 11 मई को इंटरबैंक में डॉलर 298.93 रुपये पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत बुलंद तरीन सतह पर 6 रुपये महंगा 312 रुपये में फरोख्त। चेयरमैन PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन केस। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसला करने से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन अपनी कार्यवाही जारी रखे मगर हतमी फैसला ना करे, अदालत का हुक्म। दरख्वास्त फुल बेंच के रूबरू पेश करने की हिदायत। फरीकैन को नोटिस जारी।
कोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा के खिलाफ अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन के वकील की तैयारी के लिए दो हफ्ते देरी की इस्तदा। चेयरमैन पीटीआई के वकला की मुखालिफत, दो चार दिन का टाइम देंगे लेकिन दो हफ्ते नहीं। आप तो इस केस के साथ पहले दिन से जुड़े हैं, पूरा मुकदमा आपको अजबर है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का अमजद परवेज से मुकालमा, अदालती हुक्म के बावजूद वकला को मिलने नहीं दिया जा रहा। बाबर एवान, वकला की मुलाकात में कोई ममानियत तो नहीं? चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने मरियम नवाज की शुगर मिल्स केस में जमानत मनसूखी की नैब की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। नैब कानून में तब्दीली के बाद कन्वीनियर नवाज लीग की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई नहीं हो सकती। बराह करम ऑर्डर में खारिज करने की बजाय निमटा देना लिखते हैं। नैब के वकील की इस्तदा, आपको ऑर्डर पसंद आएगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। पाकिस्तान में जो बेहतरीन दिमाग थे वो इस वक्त हुकूमत में हैं। मुल्क के साथ तो सबको ही मोहब्बत है। भारतीय शहरी को 102 साल की उम्र में नोबल इनाम मिला। भारत में एक शख्स रिटायरमेंट के बाद बैरून मुल्क गया और तदरीसी अमल जारी रखा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के पैनामा जीआईटी केस में रिमार्क्स। ब्रॉडशीट कंपनी के वकील की जानिब से वॉल्यूम 10 खोलने की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। पीर की हवेली से लड़की सना के गुम होने के केस में अहम पेशरफ्त, नामजद मुलजिम सुहेल शाह गिरफ्तार। लवाहिकीन ने लड़की को 1.5 साल कबल सुहेल शाह के हवाले किया था। सना की गुमशुदगी का निगरान वजीर आला ने नोटिस ले लिया। डीआईजी सखर मामले की इंक्वायरी कर रहे हैं। दरियाए सतलुज में हेड सुलेमान की पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, मूज और रेले ने मिंचनाबाद और आरिफ वाला में तबाही मचा दी। मुतादिद गांव डूब गए, फसलें तबाह। हेड गंडा सिंह पर पानी का लेवल 21 फुट रिकॉर्ड। पाकवतन और आरिफ वाला में मुतादिद स्कूल बंद, तादाद 74 हो गई। खैमा बस्तियां कायम। दरियाए जहलुम में फ्लड अलर्ट जारी। कसूर के सैलाब जदगान के लिए पाक फौज की इमदादी सरगर्मियाँ। 16 टन मुफ्त राशन तकसीम। वजारत बैनल सूबाई राबिता ने पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह जका अशरफ को हटाने की समरी अरसाल कर दी। समरी वजीर आजम ऑफिस को अरसाल की गई। जका अशरफ को फौरी तौर पर ओहदे से हटाया जाए। सियासी बुनियादों पर की गई तकरीरियों को ख़त्म किया जाए। समरी का मतन चेयरमैन फेडरल लैंड कमीशन को भी ओहदे से हटाने की समरी भिजवा दी गई।